कफ रोग, दो दो साल पांच पांच साल की खांसी, यहां लोगों की तीन दिन में ठीक करता हूं। सब खाना बंद, खजूर कल्प केवल खाना था। वात रोगों में एटीएम की सब्जी और पांच दिन बाद उनको मिलेट्स की, रागी बाजरे का कुछ मिलता थोड़ा सा। पित्त रोगों में उपवास कराते हैं लिवोग्रिट जूस के साथ, हीम जूस के साथ। हीम जूस में गाज, अनार, चुकंदर, वीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, ये थोड़ा मिलाते हैं, पिलाते हैं थोड़ा बहुत। जिनको ज़्यादा ही उबलता रहता है उनको सेव खिला देते हैं थोड़ा। बात समझ में आई? उपवास कुछ ये एसिडिटी वाले कहते हैं जी हम तो उपवास करेंगे तो आग लग जाएगी, तरीका होता है उसका ऐसे ना। तो ये सब उपाय हैं वात रोगों के लिए। सारा आधा प्रक्रिया तो यह वात रोगों के लिए चल रही है। कटिबस्ती ग्रीवाबस्ती, कटिबस्ती ग्रीवाबस्ती, पृष्ठबस्ती जानुबस्ती, बाहर से बस्ती, अंदर से बस्ती, बस्ती बस्ती, मस्ती मस्ती, यहाँ बस्ती की मस्ती है। जानुबस्ती, ग्रीवाबस्ती, कटिबस्ती, पृष्ठबस्ती, फिर एनस से बस्ती देते हैं, आभ्यंतर बस्ती, फिर उत्तर बस्ती देते हैं, उस वो इनफर्टिलिटी आदि में देते हैं। बस्ती 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 वात रोगों के लिए। वातेष्टि, हवन से, गूगल में से हवन करते उससे लाभ होता है। और सबके लिए मेरा एक और आह्वान, 100% शाम को भी, 100% कम से कम, थोड़ा आगे पीछे थेरेपी में लेट भी हो जाओ तो 100% शाम को भी 1 घंटा योग जरूरी है। यहाँ तो तुम कर लोगे, घर तो जाके नहीं होता, यहाँ और कोई काम ही क्या है। 1 मिनट भी अपने आप को विश्राम न दो। चरैवेति चरैवेति उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न तु मनोर्थे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमाः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। ऐसे शाम को सुन लो सब, कुछ भाई बहन इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। जिनको कैंसर है, कैंसर SLMS ऑटोमेन डिजीज है, वो इधर नर्सरी में जाके क्या करो, 1000 पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार की, उनसे वनस्पतियों की जो सुगंध आती है वातावरण में घुल करके हवा में, उससे विशेष लाभ होता है। तो कैंसर वाले, SLMS ऑटोमेन डिजीज वाले, जिन जो आसन नहीं कर सकते ज़्यादा, वो उधर जब बरसात ना हो तो यहाँ पतंजलि हर्बल गार्डन है, बहुत ज़बरदस्त है। पूज्य आचार्य श्री के एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए, बहुत सुंदर बनाए, 1000 से ज्यादा पेड़ पौधे वनस्पतियां है वहां। वहां जाकर के ऐसा लगता है आधा तो देख करके ही ठीक हो जाता है, पेड़ पौधों के साथ वहां फिर पंछी भी बहुत हैं, बहुत जबरदस्त पंछी हैं वहां अलग अलग प्रकार के। पूज्य आचार्य जी भी इस युग के धनवंतरी है, एक बार जोरदार अभिनंदन है उनकी विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, तपस्या के लिए, और बहुत जबरदस्त जबरदस्त ग्रंथों का भी लेखन चल रहा है। विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, सौमित्रीय निघंटु, सौमित्रीय निदानम, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। और ये सब ग्रंथ आपको यहाँ पर भी मिलेंगे।